बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, मौलाना आजाद, इस देश को आजाद करने में जिन्होंने शहीद हुए, ऐसे हमारे अब्दुल हमीद, इन सबको याद करते हुए आज के एक बार प्रोग्राम में आयुर्वेद और आज के प्रोग्राम के सदर मेरे मित्र चारे वाले साहब, जिनके खुशी के कारण आप यहाँ जमा हुए, ऐसे हमारे मित्र और मालेगांव सेंट्रल के शिवसेना के महानगर प्रमुख आसिफ भाई, शिवसेना के सेंट्रल के संगठक हमारे हमीद भाई हमीद वाले, मालेगांव बाह्य के जो पक्ष प्रमुख है और माजी मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब ने इन दोनों पे मालेगांव सिंगल की जवाबदारी दी है कि आज के बाद तुम कैसे काम करोगे। कल परसों ये न्यूज मैं पढ़ा, हमारे महानगर प्रमुख राजाराम जी यादव, इन्होंने हमें बताया कि आसिफ भाई को मालेगांव का सदर बना दिया और उनको साथ ही साथ हमीद भाई को भी यहाँ के संगठक पद दिया है। मैं दोनों को मुबारकबाद दिया, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। इससे पहले भी सह संपर्क प्रमुख ये होने पे उनको काम करने का मौका मिला है, कैसे काम करते तो ठीक है, मिलते रहेंगे। मैं दोनों को मुबारकबाद देता हूँ और साथ ही साथ वादा भी करता हूँ कि हम आपके साथ में कंधे को कंधा मिला करके काम करेंगे। मालेगांव शहर के अंदर शिवसेना के सदारत जो है मुसलमान को अल्लाह पाक ने एक तारीखी एक अक्षरों में लिखा जाएगा, मतलब सुनहरे अक्षरों में, कि मुसलमानों को भी एक ओहदा दे सकते हैं शिवसेना, कोई बड़ा एक बड़े पोस्ट पे बिठा सकते हैं, मतलब मालेगांव जैसे शहर के अंदर। जबकि ऑलरेडी एक महानगर प्रमुख थे राजाराम भाऊ, उसके बावजूद भी मालेगांव मध्य को मतलब ज़्यादा वोटर होने की वजह से उद्धव साहब ने मालेगांव मध्य में तो मुझे तो चुना और मुझे मालेगांव शहर के अंदर महानगर प्रमुख का पद दिया। हम लोग आज तीन चार साल से साहब के साथ में हैं, पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को छोड़कर, फिर जब शिवसेना में आए और शिवसेना ने मतलब तो बहुत सारे जो काम उद्धव साहब के नेतृत्व में की थी उसको नज़रअंदाज न करते हुए हम लोगों ने तो शिवसेना का साथ दिया। मेरे साथ आज कमोबेश 4,500 से 5,000 कार्यकर्ता है जो शिवसेना के अंदर आज शामिल है। मतलब हम लोग शिवसेना के अंदर अभी खामोश इसलिए बैठे हुए थे कि कोई हमारे पास ऐसा ओहदा नहीं था जिससे हम आगे चल के कुछ काम कर सके। नेतृत्व में रह काम कर रहे थे, जैसा हमको हाईकमान से ऑर्डर आता था वैसा हम काम करते थे, मीटिंग अटेंड करते थे। पर अब शिवसेना के पास एक बड़ी पोस्ट आई हुई है मालेगांव शहर के अंदर। हम लोग मालेगांव शहर के अंदर जितना भी कारपोरेशन के अंदर जो भ्रष्टाचार करप्शन होता है उसकी पूरे तरीके से हम लोग तो देख रेख करेंगे। और मालेगांव शहर के अंदर जो रोड गटरों का काम शुरू है अभी इस वक्त, उसकी भी पूरी जांच पड़ताल करेंगे कि किस हद तक का चल रहा है, कैसा चल रहा है और किस तरीके से चलना चाहिए और कितने ऐसे वर्क ऑर्डर होके पड़े हुए हैं और कितने ऐसे काम है जो बिल निकल गए काम नहीं हुए हैं, ये सारी तहकीकात हम लोग कॉरपोरेशन में एक माहिती के ज़रिए से बोलो या खुद जाकर बोलो, हम लोग अलग अलग वार्डों में जाकर जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी देखो आज मालेगांव शहर के अंदर का 3 दिन हो गए बकरीद को, घान कचरा अभी भी नहीं उठा हुआ है, कई कई जगह तो कई ढेरों कचरा पड़ा हुआ है। हालांकि कॉरपोरेशन के अंदर हमारे मुसलमान कॉरपोरेटर ज़्यादा है, अब प्रशासक राज बोलकर एक खामोश बैठना बेवकूफ़ी एक तरीके से,
हम लोगों ने बाकायदा इनका एक निज़ाम बिठा के ना, तो इससे क्या होगा कि बहुत सारी बीमारियां फैल सकती हैं। हम लोग आगे चल के इसके ऊपर भी कल से ही लगेंगे काम से, हम लोग मतलब मंडे से काम से लग जाएंगे, पीए के दिन से हम लोग सोमवार से। और कॉरपोरेशन में अलग अलग एरिया में जो मेरे कार्यकर्ता है वो लोग पूरे तरीके से, तो एक है तो फैमिली मेम्बर हो के मालेगांव शहर के, हम लोग काम करेंगे इंशाल्लाह। कॉरपोरेशन में क्या रोल रहेगा सोशल वर्क? कॉरपोरेशन में अभी जब जैसे अभी तो फिलहाल हम लोग जितने के जो काम रुके पड़े हुए हैं वो तो करने की कोशिश करेंगे पूरे। जैसे अभी मुझे मालूम पड़ा गुलाब पार्क के अंदर रोड पूरा खस्ता हाल है, और जबकि वहाँ पर रोड मतलब टेंडर निकल चुका था, वर्क ऑर्डर भी हो गया, काम नहीं हुआ उस एरिया में। अख्तराबाद के कई रोड के आधे आधे अधूरे पड़ी हुई है, जबकि उनके वर्क ऑर्डर हो चुके हैं, काम नहीं हो रहे। कई गलियों के अंदर वर्क ऑर्डर होकर पड़े हुए हैं, काम नहीं हो रहे, बजट गिर चुका है सबके ऊपर। वो सारे छानबीन करेंगे हम लोग इंशाल्लाह। और अगला जब इलेक्शन कभी होता है तो कॉरपोरेशन के अंदर सुशन अपने कॉर्पोरेटर भी खड़े करेंगे इंशाल्लाह। कल 2 जुलाई को मालेगांव में हिंदू सभा की जानिब से महा आक्रोश रैली निकाली जा रही है। ध्यान नहीं देना चाहिए। तो तुम्हारा कॉल है कि जिस चीज़ को दबाना है, ख़त्म करना है, तो उसके तरफ ध्यान मत दो, ध्यान नहीं देना चाहिए। बिला वजह उनकी तरफ ध्यान देंगे हम, उनको लगेंगे कि हम बहुत भारी काम कर रहे हैं। ध्यान मत दो, नज़रअंदाज करो। इससे लगता नहीं है कि शहर का माहौल ख़राब होगा? अगर वो उनके आज हम लोग ताज़िया जुलूस निकालते हैं, ईद मिलादुन्नबी का जुलूस निकालते हैं, जो कुछ करते हैं हम लोग, उससे आज कोई माहौल ख़राब नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह अपने यहाँ पर। अगर वो माहौल ख़राब करे, अगर हम वहाँ ध्यान देंगे तो माहौल ख़राब होगा। हम वहाँ जाकर ध्यान ही मत दो ना, वो क्या करना चाह रहे हैं? देखो, करने वाले ज़्यादा अल्लाह पाक की है, वो कितने भी चाल चल ले उससे कुछ होने वाला नहीं है असल में, और ना तो उनके चालों से अल्लाह ताला की चाल काफ़ी आगे रहती है असल में। वो मकर मकर अल्लाह वल्लाह खैरुल माकरीन, अल्लाह ताला बेहतरीन फैसला करेंगे हमारे हक़ में। हम सिर्फ है तो हमारा काम है उनको नज़रअंदाज करो, ध्यान मत दो, छोड़ दो उनको, उनके हाल पे छोड़ दो। देखिए मंत्री ऐसा शहर का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा क्या लगता है आपको? ऐसे जहन के इंसान नहीं हो, अगर कर रहे होंगे तो वो उनकी सोच उन्होंने बदल देना चाहिए असल में। अगर ऐसा सोच रहे होंगे, ऐसे जहन के इंसान नहीं है, पर क्योंकि हम उनके साथ रहे, कभी ऐसा कर रहे होंगे तो उन्होंने बदल देना चाहिए उसको। उन्होंने हर जगह हर वक्त खड़ा रहा मालेगांव शहर के लिए, और हर जगह काम भी डाले थे, हर काम हुए भी थे माशाल्लाह। उनके जाने के बाद से चाचा चाची ने काम नहीं किए मालेगांव शहर में, काम नहीं हो, अब काम हो रहा। अब वो काम कर रहा प्रशासन राज्य से जुड़ा काम हो जाता है। और मैंने जब दादा मुझे साहब के साथ था, मैं तो मैंने मेमोरेंडम दिया साहब को, मैंने काम के विषय दिया था, जितने काम के विषय दिया था अल्लाह ताला ने वो काम मेरे पास करा दिया। उनके संग टेंडर मिलने में उसकी पूरी याद ही मेरे पास, अगर जो बोलेगा नहीं झूठ हो तो मैं उनको साबित कर दूंगा। उससे मैंने न्यूज भी निकाला था, अपने न्यूज निकाल कर बैठ गए शबीर भाई, वो काम बाद में सब तड़बड़ हुआ, पर हमने न्यूज भी निकाल दिया उसकी, वो न्यूज भी आ गया। जनता
जनता ही इस देश की राजा है, जनता इस देश की राजा है, जनता ही राज कर सकती है, आप कोई दूसरा राज नहीं कर सकता। आज एक आपने अगर एक साबुन लेना है तो उसका टैक्स दे रहा है, एक फ्रूट बेच दे रहा है उसका टैक्स दे रहा है, आज शहर दे रहा है उसका टैक्स दे रहा है, चावल दे रहा है टैक्स दे रहा है, उस टैक्स से तुरंत तो पता आती है कारपोरेटर के पता उस टैक्स से आती है जो आवाम के पैसे का टैक्स है, वो छोटे से छोटा आवाम तुमको टैक्स दे रहा है, तुमको भीख दे रहा है, तो उसके बगैर सारे तुम उसका काम नहीं करते हो, उसको भुगतान करो तुमको उसको, और ये बोलते हो कि पैसे देकर तुमने वोट दिया है, लेकर आए अभी भाई प्रशासन का जमीन लगा है, पांच साल में तुम क्या फायदे में हमारे वर्षा के अंदर परेशान तो अभी आया और उनके लगा तो थोड़ा काम होता हमारे वर्षा के अंदर, न तो तुम तो काम ही नहीं करते थे हमारे वर्षा के अंदर, सारा महीना तुम्हारे बात कर रहा था, सारा महीना तुम खा ले रहे हो घर के अंदर, रोज रोज तुम भी निकाल जाते हो करोड़ों रुपए का बिल तुमने रोज का हर कारपोरेटर से काम किया है, अगर मैं छानबीन करूं सब मिल जाएगी इसके अंदर, अगर मैं छानबीन के सब मिल जाएगी इसके अंदर, हर कारपोरेटर ने नंबर नाश किया है, हर कारपोरेटर ने बिल निकाला है कागज के ऊपर खाली बस रोड बना तो नहीं है पांच साल में, अब काम हो रहे बड़े वर्ष के अंदर, आवाम को तो मजबूर कर दिया तुम लोग ने, तुम्हारे बात तो मानने का समय तुम लोग सब के साथ जो जिसको लग रहा है उसको लगेगा, और मारे वर्ष के अंदर दादागिरी अपनी चलेगी, सूचना अपने ढंग से काम करेगी इंशाल्लाह, हम हिंदू मुस्लिम समाज के साथ मिलकर काम करेंगे, हिंदू मुस्लिम समाज के साथ मिलकर काम करेंगे, हिंदू को जिंदा नाम लगा दो आगे 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 दो काम करेंगे, तब कुछ बोल नहीं सकता, ये जिए हम लोग ये बता के साबित कर देंगे, कितने भी तुम दादागिरी कर लो, कितने भी तुम नंदा नाच कर लो, आज हमारे को शहर का धंधा कभी नहीं उड़ने की इंशाल्लाह, तुम दंगे कराने का से हर हर हमें इस्तेमाल करते हो, तुम दंगे कराने का से यहाँ यात्रा वाले बेचारे शरीर लोग जाते हैं उनको तो भगवान भाषण करने लाते हो, जान मुझसे नारे लाने लाते हो, क्या क्या उनके दिन में कुछ नहीं है ऐसा, आप चाहते क्या हमारे भाषण को, क्या समझते हो हमारे भाषण के क्या चाहते हो आप, सिर्फ तुम्हारी झोली भरते हो ना, कोई अगर तुम्हारे खिलाफ क्या तुम सारे तरह से बात करते हो, मालेगांव शहर जो है अमनगर शहर है, मालेगांव शहर के अंदर हर समाज के लोग हर तबके के लोग साथ काम करते हैं, हिंदू मुसलमान का काम करता है, मुसलमान हिंदू का काम करता है, तुम इस गंदा जमना तहरीक को तुम छेड़ना चाहते हो खाली अपनी सियासी रोटी सटने के लिए, बस आज मालेगांव शहर के अंदर जितने भी लोग हिंदू काम हो रहे हैं अगर इसका कहीं पीछे उठा के देखेंगे हम तो काम के सब पूरे बिल निकल चुके हैं, बिल निकल चुके हैं, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, इतना बड़ा इकट्ठा है मेरे पास कॉर्पोरेशन का कि जहां काम नहीं हुए बिल निकल चुके हैं, कई गार्डन बना के खंडर हो गए पर गार्डन बने नहीं है, कि पीछे गार्डन का 50,000 रुपए निकाल लिया उन्होंने पर गार्डन बना नहीं अभी तक, बिल निकल गया, इतना बंदा नाज है तुम्हारे टैक्स से क्या बंदा नाज हो गए, तुम जो चावल लेते दाल लेते सब्जी लेते सब तो पूरा टैक्स लगता तुम्हारे ऊपर, मालूम है तुम्हें कि तुम्हारे पैसों का धंधा ना चाहिए, इसलिए अब माने और शहर खड़े हो गए हैं, मैं तमाम ही मुसलमान भाइयों को गुजारिश करता हूँ कि शिवसेना में ऐसे दाखिल हो जाओ कि जैसे कभी दाखिल नहीं हुए, हम हर घर में जाकर प्रचार करेंगे, हर घर तक पहुंचेंगे, हम हर वार्ड में आएंगे इंशाल्लाह, हर वार्ड के लिए खड़े करेंगे हम लोग, साथ चाहिए, अस्सलाम वालेकुम, जय माता।